मुझे पता था तुम जरूर आओगे। तुम्हारी दोस्ती एक मिसाल है। मैं साया बन के साथ तेरे रहना 24 घंटे, मैं रहना 24 घंटे। मैं आँखों से चुरा लूं जाना तेरे जो भी गम थे, हाय तेरे जो भी गम थे। मेरी बाहों में आके तू। नमस्ते पंडित जी। खुश हो बेटा। ऐसी रब से मैं मांगू दुआ, तेरे दिल से ना कभी खेलूंगी, सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगी। मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगता ना जिया तेरे बगैर। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगी। मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगी। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगी। मैं तुझको अपनी नजर लग जाएगी। हाँ हाँ, कुछ दिनों में तो आप दोनों की शादी हो जाएगी, फिर देखते रहना दिन रात जी भर के। हाँ, लगता है शादी के बाद जीजू आस्था को छोड़ेंगे ही नहीं। क्यों, सही कहा ना जीजू? हाँ, और आस्था भी तो जीजू को पल्लू में बांध के रखेगी। मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकती हूँ। यार तुम लोग तुझे शर्मा जाएगा, जाने दो। मैं तेरे होठों पे खामोशी कभी देख सकती हूँ। सारी बातें मम्मी सोनिया, तेरे से ना कभी खेलूंगी, सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगी। मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगता ना जिया तेरे बगैर। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगी। मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगी। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगी। मैं तुझको अपनी आंखों में बसा के रखूंगी। साथ तेरे रहना 24 घंटे। क्या हुआ आस्था? पता नहीं यार, कुछ थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है। सर दर्द? चल तुझे डॉक्टर दिखाना होगा। नहीं नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, उतना भी सर दर्द नहीं हो रहा, मैं अब ठीक हूँ। पक्का ना? हाँ बाबा, चल अब पिट्टू खेलने चलते। आके तू जाना नहीं, ऐसी रब से मैं मांग। तेरे दिल से ना कभी खेलूंगी, सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगी। मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगता ना जिया तेरे बगैर। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगी। मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगी। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगी। मैं तुझको अपनी आंखों में बसा के रखूंगी। ये आस्था का हेड का पेन कितने दिनों से है? वही करीबन 1 महीने से। पर क्यों मैम? क्योंकि आपके दोस्त के सर में ब्लड जमा हो गया था और इलाज ना होने के कारण वो कैंसर में बदल चुका है। I'm sorry to say, वो अभी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है और मुझसे जितना हो सके मैं पूरी कोशिश करूंगी उन्हें ठीक करने की। बाकी तो सब भगवान के ऊपर है, अभी आप दुआ कीजिए वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ओके मैम। देख सकती नहीं तुझे खुश मैं रखूंगी सोनिया, मैं तेरे होठों पे खामोशी कभी देख सकती नहीं। सारी बातें मैं सुनूंगी सोनिया, तेरे दिल से ना कभी खेलूंगी, सारे राज अपने मैं तुझको। क्या हुआ, क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा तुझे लगेरिया हो गया है।
मजाक मत करना, सच बोलना। तू बोल शोभा, क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा बस नॉर्मल हेल्थ पे है, कुछ दवाइयाँ लिख दी है, फिर चेकअप के लिए आना होगा एक हफ्ते बाद। थैंक गॉड, भगवान का लाख लाख शुक्र है, मैं तो टेंशन में आ गई थी। तू माने मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगी, मैं तुझे अपनी आंखों में बस। मुझे एक बार सौगत को बताना होगा कि आस्था को कैंसर है, ऐसा छुपा के कब तक रखेंगे? आज नहीं तो कल सच्चाई सबके सामने आना ही है। नहीं नहीं, आस्था के होने वाले पति को ये सब कुछ पता होना चाहिए। मैं साया बन के साथ तेरे रहना चौबीस घंटे, वो ज्यादा मैं रहना चौबीस घंटे। ये क्या बोल रही हो तुम शोभा? मैं सच कह रही हूँ, परसों आस्था को चक्कर आया था, फिर हम उसे हॉस्पिटल लेके गए थे और डॉक्टर ने कहा कि हाय तेरे जो भी गम थे मेरी बाहों में आके तू जाना नहीं, ऐसी रब से मैं मांगू। तुम उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रखो। तेरे दिल से ना कभी खेलूंगी। शोभा, तू मेरे होने वाले हस्बैंड के साथ रंग लेलियां मना रही है ना? दे दूंगी मेरी जान, तूने मुझको पागल है कि तू इसको मुझसे छीनना चाहती है। तू अपने दोस्त के साथ गद्दारी कर रही थी ना, मुझे अब तेरा शक्ल भी देखने का मन नहीं है। मैं तुझे जाने ना दूंगी, मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगी। तुझे जाने ना दूंगी, मैं तुझको अपनी आँखों में बसा के रखूंगी। आस्था, तूने हमें गलत समझा, हमारे बीच कुछ नहीं है। मुझे सब पता है शोभा, क्योंकि आपके दोस्त के सर में ब्लड जमा हो गया था और इलाज ना होने के कारण वो कैंसर में बदल चुका है। आई एम सॉरी टू से, वो अभी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में और मुझसे जितना हो सके मैं पूरी कोशिश करूंगी उन्हें ठीक करने की। बाकी तो सब भगवान के ऊपर है, अभी आप दुआ कीजिए वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सारी बातें मैं सुनूंगी सोनिया, तेरे दिल से ना। मैंने तुझको अपने जान से भी ज्यादा प्यार किया था पागल, और ये एक्सीडेंट मैंने जानबूझ के कराया है। कितना टेंशन दूं मैं तुम लोगों को, ध्यान रखना। तुझे जाने ना दूंगी, मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगी। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगी, मैं तुझको अपनी आंखों में बसा के रखूंगी। आपने मेरे दोस्त को मुझसे क्यों छीना भगवान? आपको पता था ना, उसके अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। मैं अनाथ थी, उसने मुझे अपना सहारा दिया, उसने हर किरदार निभाया है, एक दोस्त का, एक बहन का, माँ बाप भाई सबका, वो सब कुछ थी मेरी। मुझे रिश्तों का पता चलने लगा था और फिर दोबारा आपने मुझे अनाथ कर दिया। ऐसे अनाथ रहने से अच्छा तो मैं रहूं ही नहीं, मैं यहाँ रह के क्या करूं जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं जा रही हूँ अपने दोस्त के पास। ऐसी रब से मैं मांगू दुआ, तेरे दिल से ना कभी खेलूंगी, सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगी। मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगता ना जिया तेरे बगैर। तू मान, ये क्या मजाक कर रहे पंडित जी आप? हम कोई पुनर्जन्म में भरोसा नहीं करते, कहानी सुनाने के लिए हमें मिले थे क्या? हाँ, what is this nonsense? तुम्हें अगर भरोसा नहीं है तो मंदिर के पीछे वाले गांव में जाओ, वहाँ देखो तुम्हारा एक दोस्त अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है कई सालों से। हाँ चल ना, इतना कहानी सुन लिया है तो एंडिंग भी देख ही लेते हैं। ओके, एज अ विश, चलते हैं पंडित जी। मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकती नहीं, तू
कभी देख सकती नहीं, सारी बातें मैं सुनूंगी सोनिया। तेरे दिल से ना कभी खेलूंगी, तुम दोनों आ गए। मुझे पता था तुम लोग जरूर आओगे। मैं यहाँ तुम लोगों का परसों से राह देख रही थी, आज जाकर मुझे मेरे मन को शांति मिली। ये क्या तमाशा है यार। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगी, मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगी। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगी, मैं तुझको अपनी बाहों में बसा के रखूंगी। हाँ शनाया, पर मुझे कुछ भी याद नहीं है, क्या हुआ था हमारे साथ और हम कैसे मरे थे। याद तो मुझे भी नहीं है, पर मैं फील कर पा रही हूँ हम सब एक कहानी से कनेक्टेड। कहानी का नाम है तेरे जैसा यार कहाँ। मैं रहना 24 घंटे। सो गाइस, थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही हमारे वीडियोस पर ढेर सारा प्यार बरसाइए और कमेंट कीजिए कि आपको मेरा मिशोर ड्रेस हॉल देखना है या नहीं। और बुड्ढी कुछ तो बोलो। ये बुड्ढी है 32 दांतों वाली बुड्ढी।